लाइनिंग यूज़ करते हैं तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग यूज़ किया करें। ये बड़े वाले नीडल्स आप कुछ भी सिलते हैं ना, तो एक तो मेहनत बहुत कम लगती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो की जो इमेज है उसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये आपकी जो वीडियो है ये थोड़ी थोड़ी किसी ब्लाउज पे है या फिर सिक्वेंस फैब्रिक पे है। तभी तो मैं फैब्रिक दिखाती हूँ ऑन इंस्टा ऑन यूट्यूब, तो मुझे ये कमेंट कहीं ना कहीं दिखे जाते हैं। इस वाले फैब्रिक से अगर हम ब्लाउज बनवाते हैं या सूट बनवाते हैं तो वो बहुत चुभती है। ऑब्वियस सी बात है, चुभती तो है ही, लेकिन आप कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई करवा सकते हो तो फिर आपको ये ब्लाउज या फिर ये सूट कभी नहीं चुभेगी। जैसे मेरी ये पिंक वाली ब्लाउज है ना, इसको मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसकी जो स्टिचिंग है ना वो बहुत बेकार टेलर ने बनाई है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन ब्लाउज दिखाए हैं, तीनों ब्लाउज में ना इसकी भी सिलाई बहुत अच्छी है। ये तो बहुत पुरानी ब्लाउज है, बहुत मेरे पुराने कस्टमर होंगे वो जान रहे होंगे। इसमें भी कहीं से नहीं चुभती है मुझे ये ब्लाउज। ये ब्लाउज मतलब ऊपर आपको भले सीक्वेंस दिख रही, इनफैक्ट ये हार्ट सीक्वेंस है, फिर भी ये नहीं चुभती है। और अब मैं बात करती हूँ ये वाली ब्लाउज की, तो ये वाली ब्लाउज ना मैं अभी तक पहन नहीं पाई हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा चुभती है। इसके चुभने का मेन रीजन आप ये देखिए, इसके सारी जगह सिक्वेंस है, साड़ी में जितने भी आप देख रहे होंगे, यहाँ भी सिक्वेंस आपको दिख रही होगी, यहाँ भी सिक्वेंस आपको दिख रही होगी इसमें। तो इस वजह से ना ये बहुत चुभती है। और आपके साथ भी आपके जो टेलर है ना वो ऐसे ही करते होंगे, आपको इनसाइड में जितने भी तुरपाई वाली सेक्शन होती होगी ना उसमें सब में वो ऐसे ही छोड़ देते होंगे, जिस वजह से ये ब्लाउज बहुत चुभती है। इनफैक्ट ऑनलाइन भी मैंने मंगाया था तो उसमें भी ऐसे ही सिलाई थी। तो अगर कुछ ऐसा ब्लाउज आपके साथ बन जाए तो आपको इसको कैसे ठीक करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और इन फ्यूचर जब भी आप टेलर से सिलवाएं तो हमेशा उनको बोले कि वो इस तरीके से सिलाई करें, ठीक है? मतलब जो सिक्वेंस है सिर्फ ऊपर रहे, अंदर आपकी जो नॉर्मल फैब्रिक होती है वही रहे, जिससे आपकी जो ब्लाउज है ना वो बहुत अच्छी आएगी। आप ये ब्लाउज देखेंगे ना, ये ब्लाउज मेरी अभी तक की फेवरेट है और ये कहीं से नहीं चुभती है, जबकि इसके सिक्वेंस के साइज आप देखें कितने बड़े बड़े हैं। अगर चुभने हो ना तो सबसे ज्यादा चुभेगी यही, बट ये कहीं से नहीं चुभती है, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है जहां से ये कभी चुभे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक लेंगे, एक पास एकदम मैचिंग की नहीं है, ये वाली जो है वो अस्तर की फैब्रिक है मेरे पास, और दूसरे आप नेट भी यूज कर सकते हैं। और लेकिन मैं इसमें ना अभी फैब्रिक यूज करूंगी, फैब्रिक यूज करके आपको बताती हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज मुझे थोड़ी ढीली भी है तो मैं फैब्रिक यूज करूंगी तो वो फिटिंग में आ जाएगी। अगर आपकी ब्लाउज बहुत ज्यादा फिटिंग में है तो आप सिर्फ नेट यूज कर सकते हो, और नेट किस तरीके से यूज करेंगे इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वाली दिखा दूंगी। ब्लाउज को हम पहले इसकी एक पट्टी काटेंगे, ये वाली फैब्रिक की एक पट्टी काटते हैं जो मेरे ब्लाउज के अंदर में यूज होगी। इसमें से मैं ऐसी पट्टी काट ली हूँ जो आपको एक साइज दिखाया है उस साइज से थोड़ा सा बड़ा ही काटे हैं, अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं हटा दूंगी। तो इस तरीके की ये पट्टी आपको काट लेनी है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है कि हम ऐसे ब्लाउज को खोल लेंगे और इस तरीके से ये वाली जो सेक्शन है उसमें हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे, आप तुरपाई से ही अटैच करें। पल सिलाई कर लगानी है, कोई बहुत ज्यादा मतलब डीप वाली सिलाई नहीं लगानी है, बस ऐसे लगानी है आपको कि आपकी ये जो जो डिजाइन है वो खुले नहीं, और आपको सीक्वेंस के सबसे साइड वाले पोर्शन पे लेके जानी है, और कोई भी धागा आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अंदर ही रहनी है। तो इस तरीके से एकदम साइड साइड से मैं ले रही हूँ और कोशिश यही कर रही हूँ कि जो भी सिक्वेंस है उसके ऊपरी परत को मैं ऐसे अटैच करूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है ना कि मैंने इतनी सिलाई लगा दी। अगर मैं इसको फोल्ड करूँ इस साइड, ठीक है, इस ऐसे ऐसे करके और ऐसे फोल्ड कर दूँ, और यहाँ पे साइड में मैं तुरपाई करूँगी, तो आप देखिए कि एक पट्टी ऐसे तैयार हो जाएगी, और ये पट्टी ऐसी बनेगी कि आपके अंदर की तरफ रहेगी और आपकी ब्लाउज को कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे आप पूरी ब्लाउज में ऐसे लगा लेंगे पट्टी। नॉर्मल सिलाई किया है और ये बड़ी वाली निडल यूज़ करने का इन्हें एक फ़ायदा ये है, बहुत जल्दी आप सिल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इतने दूर तुरपाई कर दी है, ये देखें आप, यहाँ पे आपको शायद ये दिखेगी इस तरीके से, और ये हो गई पूरी मतलब ब्लाउज़ की फिनिशिंग, जो कि अब बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगी, और यहाँ से भी आपको ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो इस तरीके से फैब्रिक को मैं अटैच करती जा रही हूँ अंदर की तरफ उस तरीके से, और फिर ऐसे तुरपाई करती जा रही हूँ। और इतने बड़े निडल से अगर आप तुरपाई करते हैं ना तो तुरपाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं तो आपको बताऊँगी कि आपको ये ख़रीदनी चाहिए, अगर निडल का साइज़ चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी,
तो इस तरीके से आप कोई भी ब्लाउज, आपकी कितनी भी डिजाइनर ब्लाउज हो, कितनी भी हैवी ब्लाउज हो, अगर वो अंदर से आपको कहीं से भी चुभती है ना, तो आप ऐसे फैब्रिक लगा लीजिए और उसको अपने लिए कंफर्टेबल बना लीजिए। अगर फैब्रिक ज़्यादा मोटी हो जा रही है तो आप निट भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे में इस तरीके से लगाऊंगी फैब्रिक, फिर मैं यहाँ भी अटैच करूँगी और मैं स्लिप्स पे भी अटैच करूँगी। तो मैं आपको पूरी ना पूरी जब बन जाती है तब मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली ये ब्लाउज़ मैंने बना ली है। आप देखिए, मैंने जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी मैं हर जगह फैब्रिक लगा चुकी हूँ, और अब ये ब्लाउज़ जो है कहीं से भी आपको नहीं चुभेगी अगर इस तरीके से आप ब्लाउज बनवाते हैं तो। अब देखिए, मैं इसके इस वाले पोर्शन पे भी फैब्रिक लगा दी हूँ, ये दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे है। आप यहाँ पे स्लीव्स पे भी देख सकते हैं, स्लीव्स पे भी मैंने इस तरीके से लगा दिया है, और यहाँ भी। तो इस तरीके से ना ये ब्लाउज अब बहुत अच्छी हो गई है। आप अगर मैं इसको थोड़े से आपको फ्रंट से भी दिखाऊं, आपको लगे कि ये फैब्रिक दिखेगी, तो आप देख सकते हैं। बस ना आपकी सिलाई कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से देखें आप, ये आप ये भी देख सकते हैं। अभी थोड़ी प्रेस हो जाएगी तो ये सारी चीजें बैठ जाएंगी। तो ये हो गई, ये पूरी ब्लाउज की जो भी डिजाइनिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और ये अब मुझे कहीं से नहीं चुभेगी। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई है। अब मैं इसको आपको ना वियर करके दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक साड़ी के साथ, या फिर मैं स्टोरी पे अपलोड करूंगी। तो मैं अभी इसलिए आपको दिखाई हूँ लगा के, क्योंकि अगर ऑप्शन कभी कभी आपके पास कोई पुरानी ऐसी ब्लाउज है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नहीं तो जब अगर आप कोई रेडीमेड ब्लाउज बनवाते हैं तो आप अपने टेलर से इस तरीके से इंटरलॉक करके अंदर फैब्रिक के साथ ही बनवाएं, ताकि आपकी जो भी ब्लाउज हो वो कंफर्टेबल हो, आपको कहीं से भी इरिटेट ना करे। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी साड़ी दिखाती हूँ और कुछ और भी ब्लाउज के फैब्रिक दिखाती हूँ स्पेशली फॉर करवा चौथ। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।